प्रदां शारदां हीनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यामहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक कुंडी नहीं खुला मैंने, कुंडी नहीं खुला हूँ। देखो तो फूल लेने के लिए आता है ना, फूल देने के लिए। बहुत आवाज़ करते हैं रोड पे जो है ना। रात भर जो है गाड़ियाँ चलती है, कहाँ से चलेगा भाई। अच्छा। भवनादि, भवनादि अर्थ का चल रहा है ना, भवनादि अर्थ का चल रहा है ना। 218 नंबर पेज। अच्छा, ठीक है। प्रमाणे द्वेषच दघ्ने मात्र चह। बोलो। प्रमाणे द्वेषच दघ्ने मात्र चह। प्रमाण अर्थ में, प्रमाण प्रमाण में मतलब प्रमाण अर्थ में है ना। प्रथमांत समर्थ सुबंत से वृत्ति में दिया ना, यत परिमाणम नहीं तदस्य इति अनुवर्तते। तदस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी, तदस्य संजातम से तदस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी है ना। तत् प्रमाणम अस्य, इस अर्थ में प्रथमांत सुबंत से द्वैसच दघ्नच और मात्रच सभी चकारांत है, ये सब प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे कह दिया उरु प्रमाणम अस्य, इरि इति उरु द्वयसम, ये हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उरु है प्रमाण जिसके, ठीक है। हाँ, वो जल है ना, जल है ना, घुटने तक जल, घुटने तक जल जिसके हो, घुटने के बराबर हो जिसका, घुटने के बराबर जिसका हो, ठीक है। उरु प्रमाणम अस्य, ये प्रातिप ये विग्रह हुआ, उरु प्रमाणम अस्य, ठीक है। तो उरु आगे क्या होगा, उरु प्लस बोलो औ होगा, औ औ औ होगा ना, दी है ना, घुटना तो दो है इसलिए दो घुटना। उरु प्ल औ आगे द्वैसच, द्वैसच का क्या रहेगा, द्वैसच का, द्वैसच का रहेगा द्वया रहे, द्वयस्य रहेगा, द्वयस्य रहेगा। ओ का लुक हो गया, ठीक है। ये उरु जो दिया है वो प्रथमा का द्विवचन दिया है ना, प्रतिपदिक तो उरु है, ह्रस्वान्त तो उरु है। तो उरु द्वयसा हो गया, नपुंसकलिंग में
जल नपुंसक है ना, तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण है ये, ये नपुंसक होगा। उरु द्वयसम जलम हो गया। इसी प्रकार दघ्नात् जब करोगे तो उरु दघ्नम, मात्रच करेंगे तो उरु मात्रम, ऐसा होता है। लेकिन मात्रच जो करेंगे, हाँ ठीक है, सबका अर्थ समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सबका अर्थ समान है। उसके बाद है यत्तत एतेभ्यः परिमाणे बतु, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतु, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतु, यत् परिमाणम् अस्य इति यावन। मतलब क्या है, तत् परिमाणम् अस्य, इसकी सभी तो अनुवृत्ति आ जाएगी ना, तत् परिमाणम् अस्य, इस अर्थ में यत् शब्द, तत् शब्द और एतत् शब्द, ऐसे प्रथमांत समर्थ सुबंत से परे कौन सा प्रत्यय हो, बतु प्रत्यय हो तद्दित, कौन सा प्रत्यय हो, बतु, ठीक है। बतु में उकार की संज्ञा, पकार की इत संज्ञा, उगित किया कि उगदिजाम सर्वनावर्तन धातु हो, सनुम करता होता है, पकार की संज्ञा वो स्वर के लिए है, ठीक है। तो कितना प्रातिपदिक हो रहे हैं यहाँ पर, तीन, यत तत और एतत, ठीक है। तो विग्रह क्या होगा, यत परिमाणम अस्य, यत आगे सु बतुप, सु का क्या होगा, सु का लुक हो गया, हाँ लुक हो गया, यत सर्वनाम है कि नहीं, यत सर्वनाम है, इसलिए बतु प्रत्यय पर रहते यत को आ आदेश होता है, आ आ सर्वनाम न, हाँ हलंत पुल्लिंग में सूत्र गया है ना, तादृश एतादृश ऐसे होता है ना, हलंत पुल्लिंग में सूत्र, इसलिए आ सर्वनाम सूत्र से यत के द, यत के दकार को क्या होगा, दकार को आ आदेश हो जाएगा, य आ बतुप का बत, य का ओ आगे आ, अ का सामने दीर्घ या हो गया, आगे बत जोड़ दो क्या होगा, यावत, ये प्रातिपदिक हो गया, कौन प्रातिपदिक हो गया, यावत, 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 ये तथितांत हो गया, आगे सु मतलब यह परिमाण है जिसका, मतलब है ना, जितना परिमाण है इसका, ऐसा अर्थ हुआ ना। यावन, यावन शब्द आएगा, यावत आगे सु आएगा प्रथमांत में, तो सु आने के बाद यावत सु, उगित है ना ये, यावत हो गया उगित, क्योंकि बतु में उकार की संज्ञा थी, ये उगित हो गया, इसलिए उगित चाम सन्नामस्थन धातु हो, इसे नूम आगम हो जाएगा, यावत आगे सु सन्नामतन है ही, ये तकार के पूर्व में जो अ है उसके बाद में नूम होगा, यावन तकार सु का सकार, ठीक। फिर क्या होगा, फिर जो है सन्नावस्थान है चार संबद्धो, सन्नावस्थान है चार संबद्धो से उपधा को क्या होगा, आकार आदेश हो जाए, आकार आदेश होता है, यावान हो जाएगा, यावान तकार सुका सकार, सुका सकार हलज्ञा भी से होगा, फिर अंतिम जो तकार है संयुगांत से लुप से तकार का लुप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यावान, क्या बनेगा, सन्नावतन चार संबद्ध से।
षडनामस्तने जा संबोधो रुको नांत हुआ क्या रू जाओ नांत नहीं हुआ ना हाँ इधर त्वकारांत है हाँ षडनामस्त नहीं लगेगा वही लगेगा अत जो कह रहे ना अत्व वही लगेगा अत्व संत से चार धातु से होगा दीर्घ होगा क्योंकि अतु है ना बतुप था अत्यंत है हाँ अत्यंत मन करके होगा अत्व संतस्य चार धातु से होगा ठीक तो बन जाएगा यावान बन जाएगा पुलिंग में यावान और नपुंसक में यावत होगा यावत पुलिंग में यावान ठीक है और नपुंसक में यावत स्त्रीलिंग में क्या होगा यावती क्या है यावती उगितश्च से गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में आएगा ठीक है पुलिंग में क्या होगा यावान यावान अर्थ उदपान है आया कि नहीं गीता में यावान अर्थ उदपान है सर्वतः संप्रुत उदक आया जुड़ गई ऐसा होता है यत के बाद क्या है तावत तद है तद से बतुप करेंगे तो तावत हो जाएगा है ना नपुंसक में तावत और पुलिंग में तावन तिलिंग में तावती तावती ठीक है और एतत शब्द से करेंगे बतुप तो एतावत हो जाएगा एतावत एतावती एता एतावान पुल एतावान हो जाएगा पुलिंग में एतावान नपुंसक में एतावत स्त्रीलिंग में एतावती एतावदेव जिज्ञास्यम आत्मतत्व जिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा है ना चतुश्लोक की भागवत में आया अच्छा जी उसके बाद देखो किम शब्द किम और इदम शब्द से कर रहे हैं बतु प्रत्यय कर रहे किमिदम किमिदम भ्याम बोघ किमिदम भ्याम बोघ किमिदम भ्याम पंचमी का द्विवचन किमिदम किम आगे इदम किमिदम प्रातिपदिका पंचमी द्विवचन किमिदम भ्याम बह षष्ठी का एक वचन है गह प्रथमांत है घकार के बाद जो अकार है उच्चारण के लिए परिमाण बतुप ये समन्वृत्ति आ जाएगी है ना ये 40 है ना ऊपर तो 39 है ठीक तो अर्थ क्या निकलेगा देखो अर्थ परिमाण अर्थ में है ना परिमाण अर्थ में किम और इदम इस प्रथमांत सुबंत से वह है परिमाण इसका क्या है वह है परिमाण इसका इस अर्थ में बतु प्रत्यय हो तद्धित बतु प्रत्यय हो ठीक और बतु के वकार को क्या आदेश होगा घकार आदेश हो जाएगा क्या होगा घकार इस सूत्र दो कार्य करेगा बतु प्रत्यय भी करेगा बतु के वकार को घकार भी करेगा बतु का क्या रहेगा बत रहेगा ये बतुप का जो बत रहा इस बत के बकार को क्या आदेश करेगा घकार आदेश करेगा तो घत हो जाएगा किम प्लस घत हो जाएगा है ना किम से देखो किम परिमाणम अस्य ये विग्रह करेंगे क्या है परिमाण इसका कोई पूछ रहा है ना किम परिमाणम अस्य तो किम आगे सु है ना आगे घ हो जाएगा इघ बोल दिया बतुप किम सु बतुप बतुप का क्या रहा बत बत के बकार को घकार कर देंगे तो क्या हो गया घत किम सु घत
सु चला गया तो कितना रहा घत, किम प्लस घत, तो घत के घकार को क्या होगा, घकार को य आदेश होगा ना, आयनी इनी सूत्र से य आदेश हो जाएगा, तो कितना रहा किम प्लस यथ, यथ ऐसा होने के बाद सूत्र आता, देखिए इदम किमो रिस्की, इदम किमो रिस्की, तो आपके रिस्की रिस्की बोलते हैं इंग्लिश में रिस्की देखो क्या बोलते हैं, हाँ जी हाँ रिस्की है, अच्छा खुद डॉक्टर लोग तो नहीं सोते हैं, खुद खुद डॉक्टर लोग तो नहीं सोते हैं, सोते हैं क्या, ये सब मन की बात है, सोना जो है ना सब मन की बात है, कितना सोना है क्या है, जैसा अभ्यास करोगे ऐसे ही होता है, जैसा अभ्यास करोगे ऐसे ही होता है भाई, वो सामान्य नियम है, यो सब अभ्यास की बात है। लक्ष्मण जी तो 12 साल नहीं सोए, लक्ष्मण जी सही है ना वो है, लेकिन हम लक्ष्मण नहीं है ये बोलेगा राजू आप भी धीरे धीरे हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते अच्छा अभी चलो, इदम किमो हो षष्ठी का अधिवचन, ईस की लुप्त प्रथमांत करो इसको, ईस की, ईस आगे की दीर्घ की है ना, तो इसलिए सूत्र का क्या अर्थ होगा, देखो अनुवृत्ति आती है दृग दृश्य वतुषु, एक ही अनुवृत्ति आती है दृग दृश्य वतुषु, तो सूत्र का अर्थ ये होगा दृग दृश्य वतुषु इदम ईस किमह की, एक ही को दीर्घ करो वृत्ति में कर दिया की दीर्घ करो, क्या सुजाता जी, अच्छा ठीक सूत्रकार तो देखो दृक दृश्य और बतु ये परे रहते इदम और कीम के स्थान पर क्रम से ईस और की आदेश हो यथासंख्या मनोदेश समानम, है ना, इदम और किम दो है और ईस और की ये भी दो है आदेश, इसलिए यथासंख्या लगेगा, क्या लगेगा, यथासंख्या लग जाएगा, ठीक है भगवान, सर्वादेश होगा, सर्वादेश हो जाएगा, इदम को इदम को ईस सर्वादेश हो जाएगा क्योंकि शीत है ना, सकार की संज किया इसलिए अनेकाल शीत सर्वस्य, शीत होने से है हो जाएगा, और हिम को क्या होगा की, ये तो की तो अनेकाल है ही, अनेकाल मान करके होगा, तो पहला हो गया किम का, देख लो किम का उदाहरण दिया है, किसका दिया है, इदम का दिया है, पहला उदाहरण किसका दिया है, देना चाहिए इदम का, सूत्र में जो इदम है तो किम का काय को दिया है, वो तो दिया है, पहले वो देना चाहिए था ना, कियान यान क्यों दिया, तो इस सूत्र में जब इदम है तो यान पहले देना चाहिए, किम को बाद में देना चाहिए, सही है ना, अथवा ऐसा ले लो, अथवा
इदम को इस, नहीं नहीं ठीक है, यान को पहले देना चाहिए। किसको देना चाहिए? यान को। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो किम हो गया ना, किम परिमाणम अस्य है ना, कौन सा प्रत्यय है? बतुप। बतुप जब करोगे, बतुप का क्या रहा? बत रहा, बत रहा है ना। ओ ओ हाँ, उसको घकार भी कर चुके हो। हाँ, किम प्लस यत, किम प्लस यत है ना, पहले किम प्लस यत, किम यत के बाद किम को क्या कर देंगे? इस कर दिया, इस जब कर देगा तो इसका इकार रहेगा, सर्वादेश हो जाएगा, है कि नहीं? अरे मैं क्या बोल दिया मैंने, किम को की, हाँ किम को की, किम को की आदेश करोगे ना, किम को की आदेश कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, तो की आदेश होता है, की आगे यत हो जाएगा, क्या होगा? यत हो जाएगा। तो किम प्लस यत, आगे किम प्लस, नहीं किम प्लस यत, किम को की आदेश किया, की के बाद क्या है? यत हुआ है ना, या की के इकार को यस्य ति जस्य लोप कर दो तो ककार रहेगा। आया पकड़ में? किम को की दीर्घ इकार, की प्लस यत हो गया, और की के दीर्घ इकार को यस्य ति च सूत्र से लोप कर दो, लोप कर देंगे तो कितना रहेगा? कियत रहेगा। तो कियत सु में क्या बनेगा? कियान। कियान कैसे बन गया तो आप पता लग गया आपको, नोम होगा, फिर अत्त संतोष चादर से उपदा को दीर्घ होगा, सु के सकार लोप हुआ, तकार के लोप हुआ, कियान बन जाएगा, ठीक है। और जब इदम है, इदम है ना, इदम, इदम से इदम प्रमाणम अस्य है ना, तो क्या हुआ फिर? इदम के बाद, इदम के बाद बतुप, इदम सु बतुप, तो इदम को क्या आदेश हो गया? इस आदेश जब करोगे तो क्या होगा फिर? अनेकाल शीत सर्वस्व, शीत मान करके ई आदेश हो जाएगा, सर्वादेश हो जाएगा। ई आगे क्या है? घ, बतुप, बतुप का बत है, बत के बकार को घ, किस सूत्र से? किमिद्याम्भ्याम, किमिदम्भ्याम वो घ, घत हो जाएगा। ई आगे घत, घत के घकार को य, नहीं आय नहीं ऐसे ऐसे, फिर क्या बन गया? फिर ई को, ई को क्या होगा फिर? यश्य तिच से लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो कितना रहेगा फिर? यत हो जाएगा है ना, सु में यान ऐसे बनेंगे। अभी आया पकड़ में कि नहीं आया, बोलो। आ गया। अच्छा, अब अगला सूत्र बड़ा महत्व का है, देखो इसको निशान लगाओ, बहुत आता है इस सूत्र। तयब प्रत्यय आता, तयब संख्याया अवयवे तयब, संख्याया अवयवे तयब, संख्याया पंचमी का एक वचन, किसका? संख्या का। संख्याया अवयवे सप्तमी का एक वचन, तयब प्रथमांत है, ठीक। तदस्य संजातम, इस सूत्र से तदस्य की अनुवृत्ति आएगी, ठीक। तदस्य तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? वृत्ति में दिया, देखो एक नंबर वृत्ति टिप्पणी में दिया है, अवयवे वर्तमान संख्यावाचकात् प्रथमांतात् अवयवी रूपे अर्थे तयब इत्यर्थ, ये सूत्र का अर्थ है। अवयवे वर्तमान, अवयव में वर्तमान, संख्यावाचक जो प्रथमांत है, संख्यावाचक जो प्रथमांत है, ऐसे समर्थ सुबंत से अवयव है इसका, अवयव है इसका, ऐसे अर्थ में तद्धित तय प्रत्यय हो,
जैसे कह दिया पंच अवयवा अस्य इति पंचतयम्, पांच है अवयव जिसके, है ना। हस्त के अवयव कितने हैं, पांच है कि नहीं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तो पंचन जस, पंचन जस आगे तयप, तयप प्रत्यय हो गया। तयप का क्या रहेगा, पकार की संज्ञा होगी, पकार की संज्ञा हो जाएगी तो कितना रहेगा, तय तय हो जाएगा। पंच अवयवाः अस्य, पांच है अवयव जिसका, पंचन जस तयप, तयप का त रह गया, ठीक है, जस का लुक हो गया, ठीक है। तो कितना रहा, पंचन प्लस तय, तो नकार का लोप हो जाएगा किससे, किससे, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, तो पंचतय, तो सु में पंचतयम, सु में पंचतयम हो जाएगा, ठीक है। और स्त्रीलिंग करोगे तो क्या होगा, पंचतयी, है ना, हाँ पंचतयी, तय प्रत्यंत होने से ये टिढ़ाणे सूत्र से गीप हो जाता है, आगे सूत्र आएगा, पंचतयी स्त्रीलिंग में, है ना। पुलिंग में क्या होगा, पंचतय, नपुंसक में पंचतयम, स्त्रीलिंग में पंचतयी, ठीक है। संख्यावाचक कौन है, पंचन है ना संख्यावाचक, ऐसा होगा। जिसके चार अवयव है क्या बोलेंगे, हाँ चतुष्टयम हो जाएगा, चतुष्टयम हो जाएगा, ठीक है। क्या विग्रह क्या होगा बोलो, चतुरी कैसे होगा, चतुर शब्द पुलिंग में क्या बनता है, प्रथमा बहुवचन में चत्वारः, चत्वारः अवयवाः अस्य इति चतुष्टयम्, चतुष्टयम् हो जाएगा। चार अवयव वाले को बोलेंगे चतुष्टयम्, पांच अवयव वाले को बोलेंगे पंचतयम्, ठीक है। और छः अवयव वाले को क्या बोलेंगे, षट्तयम्, षट, षट्तयम्। और तीन अवयव वाले को क्या बोलेंगे, अभी सूत्र आएगा, ठीक है, त्रितयम होता है, तो त्रयम भी हो जाएगा त्रितयम भी आ जाएगा। पांच अवयव वाले को, ये पांच बोल दिया, नौ अवयव वाले को क्या बोलेंगे, नवतयम, नवतयम, ठीक है। अब देखो द्वि और त्रि के लिए आ रहा है, द्वि त्रिभ्याम तयस्य अयजवा, द्वि त्रिभ्याम तयस्य अयजवा, द्वि और त्रि शब्द से, द्वि और त्रि, जैसे दो अवयव अस्य, दो अवयव है जिसका, ठीक है। तो द्वि औ आगे तय, औ का चला गया तो कितना रहा, द्वि तय, और त्रय अवयवा अस्य, आगे त्रि, आगे तय, द्वि प्लस तय आ त्रि प्लस तय, ऐसा होने पर ही सूत्र आता है, द्वियो त्रि से तय के स्थान पर क्या होगा, अयच हो जाएगा, तयस्य षष्ठी एक वचन है ना, द्वि त्रिभ्यान पंचमी द्विवचन, तयस्य षष्ठी एक वचन, अयच प्रथमांत है वा अव्यय है, ठीक है। तो तय के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, अयच, चकार की संज्ञा किया वो स्वर के लिए है, तो तय को अय करेगा तो क्या बनेगा, द्वि तय, आत्री में त्रि तय, ये सब विकल्प से हो रहा है ना, द्वयम बन जाएगा, कैसे बन गया, द्वि प्लस क्या है, अय, द्वि प्लस जो अय,
दुई कहाँ चला गया? दुई कहाँ चला गया बोलो? यश टीचर, यश टीचर से दुई चला जाएगा ना, तो क्या बनेगा? द्वया, द्वयम नपुंसक में द्वयम नपुंसक में द्वयम हो जाएगा, और पुल्लिंग में द्वय, स्त्रीलिंग में द्वयी, द्वयी हो जाएगा, और त्रय पुल्लिंग में नपुंसक में त्रयम, स्त्रीलिंग में त्रयी। हाँ, प्रस्थानत्रय है ना यहाँ पर, ठीक है। द्वितयी, हाँ अच्छा, द्वयी त्रितयी ऐसा होगा, त्रयी त्रितयी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रस्थानत्रय इसलिए आ गया त्रयी, ठीक है। प्रस्थान त्रयी, त्रयी का अर्थ क्या है? तीन संख्या वाली बोला, तीन अवयव वाली, उसको कहेंगे त्रयी हो गया। प्रस्थानानां त्रयी इति प्रस्थान त्रयी, प्रस्थानानां त्रयी हो गया ऐसे समझ लो। उसके बाद देखो उभ शब्द आ रहा है, उभ, उभा दुदातो नित्यम, उभा दुदातो नित्यम तो उभा बोल रहे हैं, उभा उभा, तो उभ शब्द से तयप के स्थान पर क्या आदेश होगा? अयच आदेश हो जाएगा, ठीक है, और नित्य होगा उदात्त, है ना, और अयच जो होगा, ठीक, उदात्त हो जाएगा, ठीक है, आदि उदात्त बोल दिया, आदि उदात्त, तो उदात्त आदि, आदि वर्ण को उदात्त हो जाएगा। देखो कैसे, उभौ अवयवौ अस्य, उभौ अवयवौ अस्य, ये विग्रह हो गया, ठीक है। दोनों अवयव है इसके, कितने अवयव है? दोनों अवयव है, बोलो, दो दो अवयव बाला, दो अवयव बाला, अवयवी, दो अवयव वाला जो अवयवी, ऐसा है, ठीक है। उभ आगे क्या है? तय, तय को क्या आदेश हो जाएगा? अयच, ठीक है। फिर उभ के अकार को, भकार उत्तरती अकार को यशित जैसे लोप कर देंगे, तो क्या बनेगा? उभय, नपुंसक में उभयम, ठीक है, मतलब दोनों अवयव वाले, ऐसा हुआ, उभय, स्त्रीलिंग में उभयी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये नपुंसक का दिया है उभयम। तस्य पूरणे डट, तस्य पूरणे डट, ये डट प्रत्यय होगा, ये भी बड़ा महत्व का है भाई, एकादश होता है ना एकादश, ठीक है, एकादश पीठाधीश्वर। तस्य पूरणे डट, तस्य पंचमी का एक वचन लुप्त पंचम्यंत है, तत्का तस्य बना, उसका फिर पंचम्यंत लुप कर लो, ठीक है, हाँ ऐसा होगा। इसलिए षष्ट्यंत समर्थ सुबंत से परे संख्यायाहा, मतलब है ना, संख्यावाचक प्रातिपदिक होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण अर्थ में तद्धित डट प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो? तद्धित डट प्रत्यय हो, जैसे कह दिया एकादशानाम पूर्णाह एकादश, देखो पूर्ण अर्थ में हो रहा है एकादशानाम पूर्णाह, है ना, पूर्णाह करना, पुलिंग कर देना, है मतलब ग्यारह संख्या को पूर्ण करने वाला, ठीक है, ग्यारह संख्या को पूर्ण करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? एकादश, एकादश मतलब ग्यारहवां, एकादश मतलब ग्यारह नहीं,
एकाद हाँ ग्यारहवा यहाँ पर, ठीक है, ग्यारहवा को कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्यारहवा को कहेंगे एकादश पूर्ण, डॉट कर दिया, ठीक है। हाँ डॉट का क्या रहेगा, अ ही रहेगा, टकार की संज्ञा डकार की संज्ञा तो अ रहेगा, है ना। एकादशन, एक नकारांत होता है, एकादशन प्लस अ, एकादशन प्लस अ, ठीक है। और टीत किया ना, ए डॉट में डकार की संज्ञा डीत है, लट्टे सूत्र से एकादशन में टी का लोप कर देगा, एकादशन में टी कौन है, अन, अन चला गया, एकादश आगे अ जोड़ दिया, एकादश हो जाएगा, ठीक है ना। तो पुल्लिंग में एकादश, नपुंसक में एकादशम, स्त्रीलिंग में एकादशी तिथि है ना एकादशी, एकादशी कब है, आज कितना तारीख है, कल है एकादशी है, एकादशी का छह है, एकादशी का छह है, इसलिए कल होने से ठीक हो रहा है एकादशी तिथि है ही नहीं तो इसलिए छह हो रहा है एकादशी, इसलिए कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग कल परसों परसों मना रहे हैं, ऐसा है। ओम शांति शांति शांति।